ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है। कोणाचे फायद्यासाठी बुलेट ट्रेन? मुंबईच्या फायद्यासाठी आहे। न कोणी मेट्रो थांबू शकणार, न कोणी बुलेट ट्रेन थांबू शकणार। उद्धव ठाकरे साहेबांमध्ये एवढी ताकद नाही आहे। कोणी मागितली? आपल्याला किती स्टेशन मिळणार? बुलेट ट्रेनची 4, बाकीची जाणार परराज्यामध्ये। बरं, मुंबईतून किती लोक बुलेट ट्रेन अहमदाबादला जाणार? अहमदाबादवरून किती येणार? साथियों, इस प्रोजेक्ट के साथ मुंबई अहमदाबाद रूट पर एक नया इकॉनॉमिक सिस्टम भी विकसित होने जा रहा है। परंतु बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या ठिकाणी विरोध केलेला आहे। सरकार बुलेट ट्रेन विकास विरोधी धोरण के कारण नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री, मी माझ्या ठाणे शहरापुरता सांगतो की हा विषय आम्ही नामंजूर केलेला आहे। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। पीएम मोदी का एक सपना टूटा, दूसरा सपना रूठा। सपने देखना और बोलना काफी आसान लगता है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलना काफी मुश्किल होता है। 3 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा था और लोगों को भी दिखाया था। 2022 में 8 घंटे की सफर 2 घंटे में तय करेगी। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, बुलेट ट्रेन की। जो मोदी जी ने सपना देखा था, लेकिन पीएम मोदी के ड्रीम पे लगा ब्रेक। बुलेट ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत किस तरह से हुई है, वो हमारे इस खबर में आप देखेंगे। आपको बता दें, 3 साल पहले पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन को उद्घाटन की, जो देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई के दीवा से ठाणे पालघर होते हुए अहमदाबाद जाने वाली मात्र 2 घंटे में, जिसका सपना प्रधानमंत्री ने देखा था, उस पर सियासी जंग तो छिड़ गई है। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 508 किलोमीटर है और 348 किलोमीटर गुजरात में है और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में है। 4 स्टेशन इसके महाराष्ट्र में बनेंगे और बाकी के अन्य राज्य में। लेकिन पिछले साल से पालघर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफ़ेद हाथी यानी बुलेट प्रोजेक्ट का विरोध गांव वाले कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया था, जिस पर ब्रेक लग गया है, गांव वाले अपनी जमीन देने से रोड़ा अटका रहे हैं। इधर ठाणे महानगर पालिका में महासभा में चर्चा हुए, जिसमें महापौर नरेश महस्के ने बताया सभी लोगों ने यानी नगर सेवकों ने इसका विरोध किया और अपने स्तर से बताया बुलेट ट्रेन नामंजूर कर दिया गया है। दूसरी तरफ किरीट सोमैया बीजेपी का संदीप लेले ने क्या कहा है, वो भी सुनिए आप। न कोणी मेट्रो थांबू शकणार, न कोणी बुलेट ट्रेन थांबू शकणार। उद्धव ठाकरे साहेबांमध्ये एवढी ताकद नाही आहे। 13 महिन्यात त्यांनी फक्त बंद करण्याचं काम केलं आहे आणि त्यात कधी हायकोर्ट तर कधी सुप्रीम कोर्ट रोज त्यांना थोबाडी देते। उद्धव ठाकरे साहेबांचं वाक्य आहे का, मुख्यमंत्री असे स्टंटमॅन, मी ही जागा मोफत साईन करून दिली का? कुठे गेलं ठाकरे साहेब? त्या वाक्यासंबंधी माफी मांगा। मुंबईत मेट्रो, मुंबई ठाणे वसई कल्याण डोंबिवली 1 इंच पण ठाकरे सरकारने वाढवली नाही, पण बंद करणं शिवसेनेचं काम म्हणजे काम बंद, हप्ता चालू। मुंबई के बाद अगर दूसरा स्टेशन बुलेट ट्रेन का कहां हो रहा है, तो ये दीवा डायगर शीर भेतवड़े और इस परिसर में स्टेशन होगा। बुलेट ट्रेन का स्टेशन अगर वहां पर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में ये दीवा का परिसर आ जाएगा, उसका लाभ पूरे ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्र को भी होगा। और ऐसा होने के बावजूद इस विकास का दृष्टिकोण बिना रखते हुए केवल अपने राजनीतिक कारणों से इन महाआघाड़ियों के सदस्यों ने और ठाणे महापालिका प्रशासन ने इस ठराव को नामंजूर करते हुए उन्होंने दफ्तरी दाखिल किया है, ये बात सरासर गलत है। और वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिवेशन में बुलेट ट्रेन को लेकर क्या कहा है, वो भी सुनिए। कोणी मागणी केली होती बुलेट ट्रेन? महाराष्ट्रातून मागणी झाली होती। कोणाच्या फायद्यासाठी बुलेट ट्रेन? मुंबईच्या फायद्यासाठी आहे। मुंबईची मोक्याची जागा, तिची किंमत
किती होऊ शकते, पण त्याच्यापेक्षा त्याचा वापर हा मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अधिक करता आला असता. ती ऐन मोक्याची जागा आपण बुलेट ट्रेनसाठी दिली गेली, दिली कोणी मागितली, कोणी मागितली? आपल्याला किती स्टेशन मिळणार? बुलेट ट्रेनची चार, बाकीची जाणार परराज्यामध्ये. बरं, मुंबईतून किती लोक बुलेट ट्रेनने अहमदाबादला जाणार? अहमदाबादवरनं किती येणार? मग ही मी जर का आता अडून बसलो नाही, मी माझ्या मुंबईची जागा आहे, मी इकडेच करतो कारशेड. त्या जागा हस्तांतरणाचे पैसे घेण्याच्या प्रस्तावाला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक या सगळ्यांनी जो विषय आम्ही नामंजूर केलेला आहे तो दप्तरी दाखल करावा अशा प्रकारच्या सूचना आलेल्या आहेत आणि त्यांनीसुद्धा मंजुरी दिलेली आहे. मी बाकीच्या बाबतीत मी बोलणार नाही, त्या वादाच्या बाबतीत मी माझ्या विषयापुरता बोलेल, माझ्या शहराच्या विषयासंदर्भात बोलेल, बाकीचे जे विषय आहेत तो संदर्भ मी बोलू शकत नाही. परंतु बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी या ठिकाणी विरोध केलेला आहे. अब इससे साफ हो गया है की एक तरफ गाव वाले जमीन देणे से रोडा अटका रहे हैं और दूसरी तरफ सियासी घमासान मचा है बुलेट ट्रेन को लेकर. ये भी साफ हो गया है, मोदी का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है. पीएम मोदी ने 3 साल पहले कहा था 15 अगस्त 2022 में समुद्र को चीरता हुआ मुंबई से अहमदाबाद तक दौड़ेगी, लेकिन अब ये सपना आधार में लटकता दिखाई दे रहा है. और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स.